जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का और जाट यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए एक बड़ी जो दुविधा चल रही है आप सभी के मन में कि मैंने बीएसटीसी का भी फॉर्म लगा दिया, पीटीटी का भी लगा दिया, अब इसके अंदर आपकी क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या बीएसटीसी बेहतरीन है, क्या पीटीटी बेहतरीन है। आप सभी के लिए जो बताना चाहूँ, चाहे आप 12वीं पास हैं, चाहे आप 12वीं अपेयरिंग में हैं, आप 4 साल वाली बीएड करें तो सही रहेगा, 2 साल वाली बीएड करें तो सही रहेगा, या फिर 2 साल वाली बीएसटीसी करें तो सही रहेगा। देखो, सारी बात आपको कवर करूंगा इसके अंदर, अब क्या आपको करना उचित रहेगा और इसके अंदर दोनों में से बेहतरीन क्या है, क्या करें या क्या नहीं करें, और इसके अंदर दोनों का आपने फॉर्म भर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। दोनों के फॉर्म भर रखे हैं, 500-500 रुपये लगा दिए, दोनों के पेपर देने हैं या नहीं है देने हैं, क्या मामला है क्या नहीं है, सारी बात करता हूँ। अब सबसे पहले मैं थोड़ी सी बीएसटीसी के बारे में जानकारी दूंगा कि आप बीएसटीसी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी सी बीएसटीसी वालों गौर करके सुन लेना मेरी बातें, ताकि आपको समझ आ जाए कि बीएसटीसी क्या है। सबसे पहली बात कि आपके परिवार के अंदर आप कितने पढ़े लिखे हैं, इसके अलावा आपके पिताजी किस नौकरी में हैं, या आप किसानी हैं, या फिर और कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे पैसे हैं आपके पास, तो मैं कहता हूं आप बीएसटीसी करो, बेहतरीन है। सीधी बात तो यह भाई साहब, बीएसटीसी का नुकसान और फायदा दोनों चीज़ें बता देता हूं। देखो, बीएसटीसी एक क्या है, डिप्लोमा है। बीएसटीसी एक डिप्लोमा है, जैसे कि आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, अदर बहुत सारे अलग अलग फील्ड के अंदर डिप्लोमे होते हैं। वो डिप्लोमा एज लिमिटेड टाइम के लिए, सॉरी लिमिट टाइम के लिए नहीं, लिमिट चीज़ के लिए काम करते हैं। जैसे कि बीएसटीसी भी एक डिप्लोमा है, ये आपके लिए एक लिमिट काम करेगा। और जैसे कि बीएसटीसी करने के बाद ओनली आप रीट लेवल 1 जो आपकी होती है, थर्ड ग्रेड टीचर जो स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले होते हैं, पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक, वो आप सिर्फ मास्टर बन सकते हो बीएसटीसी के आधार पे। आपने 12वीं की, 12वीं के बाद बीएसटीसी की, तो इसके आधार पे सिर्फ ये बन सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीएसटीसी करोगे तो आप साथ में बीए नहीं करोगे, आप एमए नहीं करोगे, आप बीएड आगे और नहीं करोगे, वो चीज़ें नहीं कर रहा। मैंने आपको शुरू में क्लियर कट कर दिया कि आप बीएसटीसी कर रहे हैं तो आपके मन में एक और चल रही होगी कि यार बीएसटीसी की 1,00,000 रुपये फीस लगा रहा हूँ, तो इसके बीच में क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बीएसटीसी करने के बाद क्या क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप बीएसटीसी के अलावा बीएसटीसी के आधार पे कोई भी सरकारी एग्जाम के अंदर फॉर्म नहीं लगा सकते, सीधा स्पष्ट है। आपका रास्ता बीएसटीसी के आधार पे वहीं कट हो रहा है। आप ओनली थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 1 बनने के लिए आप ओनली बीएसटीसी ही कर रहे हैं, और बनने के लिए वही करना पड़ता है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर बताऊं मैं आपको कि आप इसी जगह बीएड करते हैं, अब आप बोलोगे बीएसटीसी करने वाले क्या बीए नहीं करेंगे, बीए करेंगे तो वो ग्रेजुएशन हो ही जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, बीएसटीसी जो है इस डिप्लोमा को गवर्नमेंट जो इस नियमों के तहत आपकी मिनिमम आपके ग्रेजुएशन पास बराबर मान ले, समकक्ष मान ले, जैसे आईटीआई होती है, पॉलिटेक्निक होती है, वो 12वीं के समकक्ष मानी जाती है, तो इस टाइप से आपको बीएसटीसी को डिप्लोमा को ग्रेजुएशन के समकक्ष मान ले, तो इनसे बेहतरीन और कुछ है ही नहीं, मैं ये कहता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, बीएड भी 2 साल भी होती है, 4 साल की भी होती है, तो जो 2 साल वाली कर रहे हैं उनके पास तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीएससी, बीकॉम, ये आपके पास कर रखी है, तो ये आप 2 साल वाली, या फिर इनके समकक्ष कोई डिग्री कर रखी है तो ये आप इसके अंदर 2 साल वाली बीएड के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप सीधा 12वीं पास है तो इसके अंदर 4 साल वाली के लिए एलिजिबल हैं। तो 4 साल वाली बीएड और बीएसटीसी, मैं दोनों को कंपैरिजन में बराबर मानता हूँ, क्योंकि इस बीएसटीसी को करने वाला विद्यार्थी साथ में बीए करेगा, या बीएससी तो वो कर नहीं सकता, बीए करेगा प्राइवेट, ये भी साथ में आपकी बीएड हो रही है, बीएड के साथ में आपकी बीए की डिग्री दे रहे हैं, तो ये दोनों साथ में ही दो ही वही चीज़ है। इनके अंदर जो फीस लग रही है वो ज़्यादा लग रही है, 4 साल के अंदर 27,54,56,1,00,000 प्लस चली जा रही है 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। उस जो बीएसटीसी करते हैं उनकी आपकी लगभग 50,000 प्लस फीस लगती है, आधी फीस इनकी कम लग रही है, आधी इनकी ज़्यादा लग रही है, साल इनको इतने लग रहे हैं, इनको इतने लग रहे हैं। कारण बताऊं,
क्योंकि ये बीएससी करने के बाद योग्य तो सिर्फ टीचर के लिए होगा और ये बीएड करने के बाद योग्य टीचर के लिए होगा जो रीट लेवल वन के लिए, इनको सेकंड ग्रेड बनना है या फर्स्ट ग्रेड बनना है तो आगे इनको एमए करना पड़ेगा। इनकी बीए साथ में हो जा रही है, बीए की फीस मान लो ये 2 साल की इसके अंदर लग रही है, ये प्राइवेट बीए करेंगे तो इनकी साल की लगभग 10,000 फीस तो ऐसे चली जाएगी बीए की, तो 20,000-30,000 बीए की फीस मान लो, तो यही लगभग 1,00,000 रुपये के पास जाके पड़ रही है और यही 1,00,000 रुपये के जाके पड़ रही है। तो आप दोनों को बीएसटीसी और 4 साल वाली बीएड दोनों एकदम कंपेरिजन में, इसकी बजाय आप ये चाहते हैं कि मुझे बीएसटीसी करके जल्दी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, हाई लेवल की नौकरी चाहिए, तो इसके कंपेरिजन में आपके कम पैसे हैं, आपको चाहिए हाई लेवल की नौकरी, आप बीएसटीसी बीएड दोनों नहीं कर सकते, 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते, तो दोनों पैसे अलग अलग लगेंगे, ज़्यादा ही लगेंगे, तो इस चीज़ को आप नहीं कर सकते। इसकी बजाय आप कर सकते हो बीए कर सकते हो, 2-3 साल की ये बीए हो जाएगी, बीए होने के बाद आप 2 साल वाली बीएड करते हो तो आपके कम पैसे में 50,000 बीएड हो जाएगी, 3 साल बीए में 5-7,000-10,000 खर्चा आएगा साल का, साथ साथ में आप 3 साल बीए करते हो तो इस साल में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो 12वीं बैच की, तो उसमें नौकरी लग सकते हो, 12वीं बैच में बहुत सारी वैकेंसी आती है, 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके ग्रेजुएशन के बाद आपकी बहुत सारी वैकेंसी आती है, ग्रेजुएशन के बाद आती है तो इसके अलावा आप 2 साल बाद बीएड करते हो तो 5 साल में आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बीएड करते हो साथ में आप प्राइवेट एमए भी कर सकते हो, तो जिसमें आप 2 साल बीएड करोगे तब तक एमए हो जाएगी, आपकी बीएड हो जाएगी, तो आप फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड तक का आप आराम से कर सकते हो। फिर आप यूजीसी नेट देते हो तो आप कॉलेज लेक्चरर तक कितने हाई लेवल के अधिकारी तक जा सकते हो। सेम ही बंदा बीएसटीसी बीएड करेगा, उनकी 4 साल तो इसकी भी लग जाएगी टीचर के लिए एलिजिबल होने के लिए, ग्रेजुएशन भी इसकी 4 साल बाद होगी, तो ये 4 साल बाद में इसके अलावा इसके अंदर एलिजिबल होगा, 4 साल से पहले तो ये आपकी इसके अंदर 12वीं पास ही माना जाएगा। इसके अलावा बीएसटीसी वाला क्या होगा, बीएसटीसी वाला है तो सिर्फ वो 12वीं पास ही, सिर्फ एक उसके पास डिग्री है, 2 साल के बाद वो टीचर के लिए एलिजिबल होगा, तो ये चीज़ें आप देखी जाए तो मेरे लिए मैं ये कहता हूँ साल एक का ज़्यादा फर्क है, जिसके पास पैसे हैं वो ये कर सकता है साथ में बीए कर सकता है, जिसके पास लिमिट पैसे हैं कि भाई मुझे तो नहीं करनी क्योंकि एलिजिबल इसी में ही हो ही रहा है, इसी में ये हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। बीएसटीसी आपकी बंद नहीं होने वाली, होगी सालों साल करवाई जाएगी, बीएड 2 साल वाली 4 साल वाली ये भी बंद नहीं होगी क्योंकि 2 साल वाली बीएड भी ज़रूरी है ग्रेजुएशन करने के बाद, इसके अलावा इसके अंदर आपकी 4 साल वाली बीएड है ये भी बच्चों की डिमांड के हिसाब से निकाली गई है, अब बताया जा रहा है सेंटर के अंदर आईटीईपी कोर्स आ गया तो वो होगा, तो इसकी जगह वो लागू हो जाएगा। अभी राजस्थान के अंदर 3-4 कॉलेज है, 100-150 सीटें हैं, तो इस हिसाब से बहुत कम विद्यार्थी फॉर्म लगे हैं, बहुत कम ही हो रहे हैं, और इसके अंदर आपकी मान के चलो 4 साल वाली बीएड है तो इसके अंदर बहुत जगह सीटें भी है, अच्छी कॉलेजें भी मिल रही है 20-25 हज़ार, तो आराम से इसके अंदर आपकी सीटें 20-25 हज़ार में आपका एडमिशन हो ही जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आप बीएड करते हैं टीचर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ है, बीएसटीसी करते हैं तो अच्छी चीज़ है, बीएसटीसी माड़ी नहीं है, लेकिन ये एलिजिबल सिर्फ और बीएसटीसी फर्स्ट लेवल रीट के लिए होता है, इसके अलावा बीएसटीसी किया हुआ विद्यार्थी वो 12वीं पास ही माना जाएगा। ये चीज़ है, मेरा कहना यही था कि आप बीएसटी और बीएड के अंदर कंपेरिजन कर रहे हैं ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आपके पास पैसे हैं, आप अपने पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों के हिसाब से आप कर सकते हैं, आपके पास लिमिट पैसे हैं तो आप दोनों को चॉइस मत करिए, आप 2 साल वाली बीएड करिए बेहतरीन होगा, और जिनके पास पैसे हैं भाई मैं तो बीएसटीसी भी कर सकता हूँ, 3 साल बीए कर लूँगा फिर बाद में 2 साल बीएड कर लूँगा, तो वो पैसे वाले करते ही यार आप भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, बीएसटीसी करने वाला साथ साथ में वो कर सकता है, क्या नाम है, बीए भी कर सकता है, 3 साल बीए साथ साथ बीएसटीसी हो जाएगी, वो सब चलता रहेगा, आपके पास पैसे हैं तभी करना, ऐसे मत करना, ठीक है। ये दोनों आपने फॉर्म भर दिया, दोनों का आपको पेपर देना है, दोनों के अंदर आपके अच्छे जो अंक आते हैं आप घरवालों से पूछ लीजिए कि मैं 4 साल वाली बीएड कर रहा हूँ तो इसमें पैसे 4 साल का ज़्यादा लगेंगे, 4 साल एक जगह चक्कर काटना भी भारी बात होती है, आप खुद की कॉम्पिटेंस है या नहीं है, आपने कितनी 12वीं तक पढ़ने टाइम कितनी स्कूलें बदल चुकी है उस पर भी डिपेंड करता है ये चीज़ें, क्योंकि आपने स्कूल के अंदर 1-2 साल नहीं टिक पाए, हर साल स्कूल चेंज कर रहे हैं, तो बीएड करना 4 साल एक ही कॉलेज में रहना पड़ेगा, आपको एक जगह ही 4 साल चक्कर काटने पड़ेंगे, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है।
तो ये चीज़ें हैं आपको मेंटेन आप खुद को करना पड़ेगा। ये आप दोनों आप फॉर्म भरें, दोनों आपको तैयारी करना, दोनों का आपको पेपर देना है, बेहतरीन चीज़ें हैं, दोनों ही आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद अच्छे जो अंक आती है BSTC में, अच्छे अंक आते हैं BSTC नज़दीक कॉलेज मिल जाती है वो कर लेना, और BEd में आती है BEd कर लेना, अच्छी बात है, बेहतरीन होते रहेंगे, शानदार तरीके से मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।